5 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को ऐसा दर्द दिया है जिससे उबरना पार्टी के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। बीजेपी तो कांग्रेस की हार पर तंज कस ही रही है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तरीके इंडिया गठबंधन के नेता भी कांग्रेस को उसकी हैसियत बता रहे हैं। लेकिन इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस ने 2024 की लड़ाई का हौसला नहीं खोया, विपक्षी नेताओं के साथ संवाद भी नहीं छोड़ा ताकि जल्द ही इंडिया अलायंस की बैठक की अगली तारीख तय हो सके, बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए साझा रणनीति बनाई जा सके। And I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. Then I said, just nobody told me and I do not know. So because I had my program. कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी की टेढ़ी नजर और तंज के तीरों से कांग्रेस आहत तो जरूर हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक रुक नहीं सकी। खड़गे की आवाज पर राहुल गांधी की मौजूदगी में रामगोपाल यादव और जयंत चौधरी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन का कारवां कतई नहीं रुके। LOP मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये मीटिंग भी है, बहुत सारे इश्यूज पार्लियामेंट के डिस्कस भी है, बिल्स जो अपकमिंग बिल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ, सरकार के रवैये के बारे में डिस्कस हुआ और दूसरे भी बहुत सारी बात हुई। उसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग, जो लीडर्स की मीटिंग है, वो लीडर्स की मीटिंग का भी डेट एक दो दिन में हम लोग अनाउंस करते हैं। TMC और शिवसेना नहीं आए इस तरह की बात, वो पहले ही बोल दिए थे आ नहीं पाएंगे आज की मीटिंग में। हर दिन होता है कि कोई एक पार्टी दो पार्टी कोई ना कोई मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं, वो आज पहले ही एक्सक्यूज बोल दिए थे आ नहीं पाएंगे दोनों पार्टी, बट मेरे ख्याल से 17-18 पार्टी मौजूद थे, सारे पार्टी जो हर दिन आते हैं वो मौजूद थे, दो पार्टी आ नहीं पाते करके पहले ही उन्होंने बोल दिया था। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अहंकार की हार बताया था और इंडिया गठबंधन की एकता खटाई में पड़ती दिखी थी, लेकिन जब कांग्रेस के तेवर नरम पड़े तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी विपक्षी एकजुटता की दुहाई देने लगे। तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर। न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से, अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे जी। नहीं सर, हमारे लोग जो भी है वो सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम स्पष्ट है। कुछ लोग अभी की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे इसलिए उस स्तर की मीटिंग नहीं हो रही है। अब इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, आप देख लेना। बीजेपी वाले क्यों परेशान है इंडिया गठबंधन से, बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब हमें महत्व बहुत दे रहे हैं, परेशान है कि हम सब एक साथ रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जरूर कांग्रेस का अपना एक वजूद है इस इंडिया आघाड़ी में और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन जो TMC के MP साहब ने कहा है उस बारे में भी चर्चा होगी, उससे सबक लेना चाहिए जो 3 राज्यों में हुआ है और सबको साथ लेकर इंडिया गठबंधन का विकास करना चाहिए। तो इंडिया अलायंस है, सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं, जो भी कमियां हैं जो भी दिक्कतें हैं वो सब हम एक साथ करेंगे, क्योंकि हम इस कमिटमेंट से आए हैं, इस रिजॉल्व से आए हैं कि जो देश के सामने दिक्कतें हैं, जो ध्रुवीकरण की बात हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, महिलाओं के बढ़ते क्राइम्स हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे मुद्दे देश की प्रायोरिटी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है, तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा।